हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं रवा उपमा। ये नाश्ते के लिए एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और इसे हम जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बनने में भी बहुत कम टाइम लेती है और खाने में भी बहुत हेल्दी रहता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 2 चम्मच घी डाल लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब हम इसमें सूजी डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। इसे घी में डालकर चलाते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। सूजी को भूनते समय गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इसे इसी तरह से चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें बस सूजी का कच्चापन दूर करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर सूजी को चलाते हुए मैंने इसे भून लिया है। इसका कलर हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। सूजी को हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 3 से 4 छोटे चम्मच हम घी डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इसमें ऑयल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे घी में ही बना रही हूँ। घी को हल्का सा गर्म होने दें। अब हम इसमें ये कच्ची मूंगफली डाल देंगे और इनको भी हल्का सा भून लेंगे। आप चाहे तो इसके साथ 8 से 10 काजू भी डाल सकते हैं और उनको भी रोस्ट कर सकते हैं, अगर आप उपमा में काजू डालना पसंद करें तो। तो यहाँ पर मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ जो ये कढ़ाई में हमारा बचा हुआ घी है, इसी में हम उपमा भी बना लेंगे। तो उपमा बनाने के लिए जो हमारा घी है इसमें, ये काफ़ी है। तो यहाँ पर घी गर्म है। अब हम इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे। राई को हल्का सा भून लेंगे। तो राई यहाँ पर तड़कने लगी है। अब हम इसमें 1 चम्मच उड़द दाल डाल देंगे। ये मैंने कच्ची उड़द दाल ली है। हल्का सा भून लेंगे इसको भी। अब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज चॉप करके डाल दें। 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल दें और प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। या प्याज को जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा पिंक कलर ना आ जाए। अब इसमें एक बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप उपमा में टमाटर डालना चाहें तो आप इसमें एक टमाटर को चॉप्ड करके डाल सकते हैं। अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। तो सब्जियों में मैंने 1 गाजर को छोटा छोटा चॉप्ड कर लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। थोड़े से मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, इन्हें भी इसमें डाल देंगे। सब्जियां आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हुई, उबले हुए आलू हुए, आप जो मन करे आपका वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जियों को चला लें और अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे, जिससे कि हमारी सारी सब्जियां अच्छे से भुन जाएं। अब हम इसका ढक्कन लगाकर सब्जियों को 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि हमारे जो गाजर है और मटर है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो सब्जियां हमारी मैक्सिमम पक चुकी हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली थी, तो उसी कप से नाप कर मैंने यहाँ पर 3 कप पानी लिया है। साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स करके इसका ढक्कन लगाकर 1 बॉईल आने तक हम इसे पका लेंगे। मैंने पानी इसी कप से नाप कर लिया है जिससे मैंने सूजी को नापा था। तो आप भी पानी की क्वांटिटी उसी सेम बर्तन से नापिए जिससे आपने सूजी को नाप कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें उबल चुकी हैं।
पानी में भी अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हम इसमें रोस्ट की हुई सूजी डाल देंगे जिसे हमने साइड में निकाल कर रखा था। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर भी हम लो ही रखेंगे। सारी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस पहले भी डाल सकते थे। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी ने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नींबू का टेस्ट और फ्लेवर हमारे उपमा में अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें रोस्ट की हुई मूंगफली डाल देंगे और इसको भी उपमा में अच्छे से मिला देंगे। साथ में मैं इसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। लास्ट में 1 चम्मच घी डालने से उपमा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। सारी चीज़ों को हमने उपमा में अच्छे से मिला दिया है और सूजी ने भी सारे पानी को अच्छे से सोख कर लिया है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर उपमा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खिला खिला उपमा बनकर तैयार हुआ है। ये जितना सुंदर आपको देखने में लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उपमा को सर्व कर लिया है। गर्मा गर्म उपमा बनकर तैयार है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। इसमें हमने वेजेस मिलाई हैं, आप अपनी मर्जी से इसमें आलू भी डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं या जो भी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्टी और हेल्दी उपमा बनकर तैयार है। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।